तो मैं यादव फेंसिंग में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एंगल फैब्रिकेशन के बारे में बात करेंगे। एंगल फैब्रिकेशन होता कैसे है? हम कंसर्टीना कॉयल 450 mm का डाई के कंसर्टीन कॉयल के लिए सबसे पहले हम एंगल की कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद इसके अंदर ऊपर चार होल देंगे और नीचे दो होल देंगे। नीचे का होल हमने इसलिए दिया है कि इसकी एंगल की हाइट बढ़ानी है और ये फास्टनर से हम इसको प्री कास्ट वाल के ऊपर इसको लगा देंगे। आओ आपको दिखाते हैं एंगल बनते कैसे हैं। एंगल बनने की प्रोसीजर यह है कि एंगल को पहले हम फोल्डिंग करते हैं। फोल्डिंग करने के बाद एंगल में हम ड्रिल में सुराख मारते हैं। सुराख मारने के बाद हम एंगल जी जो है वेल्डिंग करके, और वेल्डिंग करने के बाद इसको हम गैल्वनाइजिंग के लिए भेजते हैं, और गैल्वनाइज होने के बाद पूरा एंगल हमारा कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।